इस वक्त हमारे मुल्क और कौम के जो हालात चल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बातें करने के अलावा भी हमें कुछ प्रोएक्टिवली करना चाहिए। सर, आप यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे लिए क्या फेवरेट लाइन है आपके? यूथ के लिए बिस्मिल्लाह मैसेज ये होगा कि इस वक्त हमारे मुल्क और कौम के जो हालात चल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बातें करने के अलावा भी हमें कुछ प्रोएक्टिवली करना चाहिए। जो भी खैर की बात है अपने स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, उसको फैलाना, सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा एक्टिव होना, और जो जो भी आपको नज़र आता है ना कि माशरे के अंदर कोई बिगाड़ है, तो बजाय कि हम दूसरों का वेट करें कि भाई कोई आके उन चीज़ों को फिक्स करेगा, हम खुद को कोशिश करें। हमारी अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है यूथ क्लब, हमारा भी हमने जब देखा कि जी माशरे के अंदर लोगों को इस साइड पर तरबियत करने वाला कोई नहीं है, तो फिर हमने भी प्लान बनाया कि चलो हम खुद ही कर लेते हैं। फिर हमने पढ़ना शुरू किया, तो एक प्रोसेस इंसान बनाता है, डेस्टिनेशन का तयन करता है, फिर उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करता है कि मैं अब यहाँ से पहला स्टेप क्या होगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें यूथ को ना ज़रा प्रोएक्टिव होना चाहिए। बहुत सारे यूथ हमें नज़र आता है कि वो अपना टाइम ज़ाया करते हैं सोशल मीडिया पे और चीज़ों पे, तो इसी मीडिया को आप बहुत पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करके अपना जन्नत का जो रास्ता है वो आसान कर सकते हैं। तो ये मेरी गुजारिश होगी तमाम यूथ से कि वो एक्टिव हो जाएं और अपने आप को दीन के साथ भी जोड़ें, और जो भी दुनियावी आपके परसूट्स हैं उसको भी ऐसे अंदाज में करें, क्योंकि ऐसे लोग हमें दरकार हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी मोटिवेशन है वो हमें अल्लाह और उसके रसूल से ही मिलती है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है ना कि जो भी इंसान कलमे के ऊपर जिसकी वफात होगी ना, तो वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ हमें कलमे पे वफात उसी को नसीब होगी जिसका जीना कलमे पे होगा। तो जब हम अपने आप को इस बात पे ले आए ना कि मैंने हर चीज़ वो करनी है जो अल्लाह ताला की बताए हुए अहकाम के मुताबिक है, अल्लाह के रसूल के बताए हुए अहकाम के मुताबिक है, तो ऑटोमेटिकली फिर अल्लाह ताला आपको कलमा पढ़ना भी नसीब कर देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी का जो मोटो है या जो स्टेटमेंट है वही है कि मैं सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करता हूँ। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप मेडिकल में हैं या इंजीनियरिंग में हैं या पॉलिटिक्स में हैं या फौज में हैं, जहाँ पे भी हैं, अगर आप अल्लाह से डरने वाले हैं तो आप कामयाब रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये मेरा मैसेज है। थैंक यू सो मच।